Hi friends, I welcome you all at Craig Grade B. Soil and its types का part 1 हम लोगों ने complete कर लिया था. जिन लोगों ने मेरा वो lecture नहीं देखा है वो आप हमारे video में जाके देख सकते हैं. आज हम part 2 की बात करेंगे, soil and its type part 2. This lecture is very important for NABARD grade A and phase 1 and phase 2 exam. तो friends start करते हैं. देखिए classification already मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, but आज हम बात करेंगे classification on the basis of genesis, color, composition and location. और बात करेंगे particularly जो soils India में पाई जाती हैं, the soils which have been found in India. So according to the genesis, color and composition and location, the soils found in India are the alluvial soils, black soils, red and yellow soils, laterite soils, arid soils, saline soils, peaty soils, forest soils and mountain soils. In subsequent slides we will discuss that ये जो soils हैं वो India में किस किस areas को cover करती हैं, इनकी क्या properties हैं और कौन कौन सी जो crop है वो उनके लिए ये जो soils हैं suitable हैं और इनको किन दूसरे नामों से भी जाना जाता है. तो आइए start करते हैं. First of all friends, ये एक map है. इस map को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे जो alluvial soils है वो इस color code से दिखाई गई है, वो इस पूरे area को cover करती है. और ये हमारे यहाँ 43% जो total हमारा geographical area है उसका 43% part cover करती है and it is the highest. इसके बाद आती है red soils. Red soils आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, ये पूरे area में red soil फैली हुई है और ये आपका 18.5% area को cover करती है. Then ब्लैक सॉइल्स आती है, ब्लैक सॉइल्स में 15%, फिर एरिड डेजर्ट एंड लेटराइट एंड फॉरेस्ट सॉइल्स का पार्ट्स है. देखिए एरिड एंड डेजर्ट सॉइल आपको दिख रही है तो वो केवल गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों के अंदर है. ब्लैक सॉइल जो है वो जो हमारा पैनल से रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात का जो कुछ हिस्सा है, कर्नाटक के अंदर भी कुछ हिस्सा है जहां पर ये ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है. लेटराइट सॉइल्स आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो लैटेराइट सॉइल जनरली जो कोस्टल एरिया है उसके आसपास के एरियाज में आपको देखने को मिलेगी. उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल जनरली जो हमारा हिमाचल, उत्तराखंड, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है जो ऊपर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल को कवर करता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करता है, वहां पर ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है. अब देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी एलुवियल सॉइल्स क्या होता है. एलुवियल सॉइल्स आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इट इज लाइट ग्रे टू एश ग्रे. इसका जो कलर है, इसकी जो कलर कोडिंग है वो लाइट ग्रे टू एश ग्रे है, उसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. टेक्सचर जो है इसका सैंडी टू सिल्टी लोमी और सैंडी टू सिल्टी लोम और क्ले टाइप का इसका टेक्सचर होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पोटाश में रिच होती है, बट सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है फॉस्फोरस के अंदर पुअर होती है. तो जो एलुवियल सॉइल्स है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, अगर आप उसको फॉस्फोरस दे देते हैं जिसको हम एनपीके के नाम से जानते हैं, तो ये जो सॉइल है वो हाईली फर्टाइल सॉइल होती है. देखिए जो हमारी मेन क्रॉप्स है, जो हमारी स्टेबल क्रॉप्स हैं, वो सबसे ज्यादा इसी के अंदर उगाई जाती हैं. व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, पर्ल्स, ऑयल सीड, ईटीसी आर कल्टिवेटेडली मेनली ऑन द क्रॉप्स एंड द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल्स आर द टॉप सॉइल्स इज ब्लैक लोम टू क्ले लोम with moderate crumb structure and its pH range value is 6.5 to 8.4. One most important point मैंने वो आपको बताई दिया है, it covers largest area of India and it is the highest fertile soils of our country. इसके बाद ये दो parts में पाई जाती है खादर, जो new alluvium होती है. देखो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसको form कैसे किया जाता है, फिर आप इसको easily classify कर सकते हैं. जो हमारा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, नर्मदा ताप्ती प्लेन है, वो प्लेन में जो रिवर्स फ्लो होती है वो रिवर्स अपने साथ कुछ ट्रांसपोजिशनल डिपोजिशनल मैटर लेके आती है, सॉइल्स लेके आती है. तो जो रिवर्स के डिपोजिशन से जो सॉइल्स फॉर्म होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिवर के जो सॉइल्स फॉर्म होती है, उसको भी हम एलुवियल सॉइल कह सकते हैं. और ये दो टाइप की सॉइल्स होती है जो रिसेंटली जो नदियों ने अभी अभी लाके बसाई है, दैट इज कॉल्ड खादर. और जो पुरानी एलुवियम सॉइल्स हैं वो आपकी बंगर के नाम से भी जानी जाती है. तो इट वाज ऑल एलुवियम सॉइल. अब देखते हैं अगली सॉइल. देखिए ब्लैक सॉइल्स को आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये इस तरह से दिखती है. और जब
इसका ड्राई सीजन आता है तो वो इस तरह के क्रैक्स इसके अंदर आ जाते हैं। ये क्रैक्स जो होते हैं वो डी एरिएशन के लिए होते हैं, ताकि इसके अंदर से एयर फ्लो हो, जो इसके अंदर ह्यूमस है वो ह्यूमस को एयर मिले और वो डेवलप हो जाए। सबसे बड़ी चीज पहले इसके बारे में देख लेते हैं ब्लैक सॉइल्स होती क्या है। देखिए सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम रेगर्स के बारे में, रेगर से भी जाने जाते हैं, और रेगर का मतलब होता है कॉटन। इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन एंड जनरली इट फाउंड इन द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाई द ब्लैक सॉइल, जो मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था। ये पूरा एरिया जो है डेक्कन एरिया कहलाता है, इसके अंदर ये सॉइल पाई जाती है। ये मैच्योर सॉइल होती है। सबसे बड़ी चीज इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, और जब इसके अंदर पानी डाला जाता है तो ये थोड़ी फूल जाती है, स्वेल्स हो जाती है और ये स्टिकी हो जाती है। एंड जब इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद इसकी कुछ पोजीशन इस तरह की हो जाती है, जो टूट टूट के मतलब टुकड़ों में आपको दिखना शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसको हम लोग एक वर्ड के नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ प्लपिंग। इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड जस्ट लाइक दीज फिगर्स। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस फिगर अगेन एंड अगेन, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल की प्रॉपर्टी यहीं से आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में बहुत ही रिच होती है, बट जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इसके अंदर कम होता है। अगर आप एनपीके ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ले आते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मशीनिंग टूल्स और एनपीके फर्टिलाइजर से, तो ये बहुत ही अच्छी सॉइल हो जाती है। और जनरली दिस सॉइल इज फेमस फॉर ग्रोइंग कॉटन इन दिस एरिया। कलर मैं आपको बता ही चुका हूं कि डीप ब्लैक और लाइट ब्लैक होता है। इसका टेक्सचर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका टेक्सचर है क्ले टाइप का, और ये पीएच मेंटेन करती है 5.5 से 7.5 के बीच में। अब अगली सॉइल है आपकी, ये लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल तो इसमें दोस्तों देखिए, लैटेराइट सॉइल्स को मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह की होती है। आप लैटेराइट सॉइल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, ब्रिक्स। लैटेराइट जो वर्ड है वो लेटर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में ईंट। इट बिकम सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई, दिस इज द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सॉइल, इफ यू आर पुटिंग वॉटर इन टू इट देन इट बिकम सॉफ्ट, देन यू आर मेकिंग ब्रिक्स बिकॉज इट इज सॉफ्ट व्हेन दिस ब्रिक्स यू हैव प्रिपेयर्ड। If you put this brick in the sun, then it will become the hard, it will become dry. So this is the property. After when you are pouring water into it, it becomes wet, and when it you dried it, it becomes hard. This is a property of this laterite soil. One most important property of this soil is it is formed with by the help of the high leaching. What is leaching? The removal of the upper layer of any soil is called the leaching. So this soil is formed by the high leaching process of the soil formation. Lime and silica will be leached away from this soil. So you can easily understand that lime and silica should be deficient in this type of soil. Moreover, the organic matter of the soil will be removed by fast by the bacteria, as it is high temperature and humus will taken quickly by the trees and other plant. So this humus is in this soil is also low. और ये कहाँ पाई जाती है? Where you can find this soil? मैंने आपको पहले वाले फिगर में बताया था. This soil is found in the coastal areas. This is the western ghat. This is the eastern area near about West Bengal. तो ये इस तरह के areas में पाई जाती है laterite soils. Okay? यहाँ पे केरला के पास, तमिलनाडु में और western ghat में ये ज़्यादा पाई जाती है इस तरह की soils. अब देखते हैं दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। नाउ ये जो है वो आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है, बट ये भी एनपीके जो नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस है उसके अंदर ये डेफिशिएंट है। इसके बाद का कलर जो है रेड कलर है। लैटेराइट सॉइल का कलर कैसा होता है? रेड। इसका कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। देखिए एक मैं आपको और बताऊंगा, रेड और येलो सॉइल उनका भी कलर जो है वो रेड होता है, बट इस लैटेराइट सॉइल का कलर रेड क्यों होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्रॉप राइस, रागी, शुगर केन और कैशूनट जो है वो आप कल्टीवेट कर सकते हैं इस एरिया में, बट इसका जो पीएच है 4.5 से 6.5 के बीच में होता है, तो वी कैन से दैट इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ओके, इसके बाद है रेड सॉइल। देखो देखो दोस्तों, ये रेड सॉइल है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाल कलर, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेड और येलो सॉइल भी कभी कभी इसको हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड येलो सॉइल।
ये जनरली आपका जो लो रेनफॉल वाला एरिया है। फिगर में देखते हैं फिर से हमारा फिगर कहाँ गया, देखिए मैं फिगर आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें नाबार्ड में एक क्वेश्चन आया था। जब तक आप ये फिगर याद नहीं करेंगे तो इस फिगर से ही आपके जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है वो इस फिगर से ही बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर आपको ये फिगर याद होगा तो अपना क्वेश्चन लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल वो कहाँ पर है, इस एरिया में फाइंड हो रही है। तो जब आप देखेंगे दिस इज अ बैकवर्ड एरिया, ये आपका वेस्टर्न घाट ये एरिया है, तो इस तरफ आपका वेस्टर्न घाट है, इस तरफ आपका ईस्टर्न घाट है। तो आप कह सकते हैं कि इस एरिया में थोड़ा सा लो रेनफॉल होता है, तो ये जो है रेड और येलो सॉइल जो है वो लो रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। और इसके अलावा ये पोरस फ्राइबल होती है स्ट्रक्चर इसका जो है, इसको हम ओमनीबस ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें लाइम कंकर और इम्पोर कैल्शियम नहीं होता है, और ये जो है लाइम फॉस्फेट मैग्नीज नाइट्रोजन ह्यूमस और पोटाश में डेफिशिएंट है। इसका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू द फेरिक ऑक्साइड। ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ना आयरन की वो इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसका कलर जो है वो रेडिश और येलो होता है। इसका टेक्सचर होता है सैंडी टू क्ले एंड लोमी। उसके बाद इसके अंदर वीट कॉटन पल्स टोबैको ऑयल सीड्स पोटैटो इसके अंदर हम लोग उगा सकते हैं, इस तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। इसकी पीएच है 5.5 से 7.0 के बीच में। ओके तो कैसी हुई है, स्लाइटली एसिडिक। इसके बाद डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट सॉइल आप देख सकते हैं दोस्तों कि उनको कैसे पहचाना जाता है। डेजर्ट आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि डेजर्ट सॉइल कैसी होती है। अब इसके बाद डेजर्ट सॉइल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, एरिड और जो सेमी एरिड कंडीशंस हैं उसमें इस तरह की सॉइल पाई जाती है। फिर आप उस मैप पर आइए, कहां पर आपको लगता है कि एरिड कंडीशंस पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया है, यहां पर आपकी एरिड और सेमी एरिड सिचुएशंस हैं, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की सॉइल्स को इस एरिया में मिलना चाहिए। इसके बाद ये ओरिजिनेट कैसे होती है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड डिपोजिटेड मेनली बाय द विंड एक्टिविटीज। आप ये देखें अगर मान लीजिए कोई दो पार्टिकल्स हैं, ये दो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनकी जो साइज है वो 2.5 mm है। अब क्या होगा जब हवा चलेगी तो दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द विंड जो बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको खोलते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, और इस तरह की जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, मॉइस्चर और ह्यूमस तो इसके अंदर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज ऑल्सो हाई विच रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। जो आपने देखा होगा राजस्थान की जो सॉइल होती है उसके नीचे वाले बेड में ना इस तरह का कंकर और इम्प्योर कैल्शियम होता है, तो नीचे वाले बेड में अगर आपके अंदर पानी डालते हैं तो नीचे वाला बेड जो है पानी को फिल्ट्रेट नहीं होने देता। समहाउ ये प्रॉपर्टी जो है कभी कभी इन राजस्थान और गुजरात के एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन के काम आ जाती है। नाउ इट इज नाइट्रोजन इज इनसफिशियंट एंड फॉस्फेट इज नॉर्मल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल्स। पोरस एंड कोर्स 90% एंड इसमें क्या है, ये पोरस एंड कोर्स होती है जिसमें 90% सैंड एंड 5% क्ले होता है। टेक्सचर इसका सैंडी है, कलर मैंने आपको बता दिया रेड टू ब्राउन, आप देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको अंदाजा लग जाएगा, स्लाइटली रेड और ब्राउन दिखती है दूर से ये। और इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो डेट्स पाम्स ककम्बर्स हॉट पेपर मिलेट जो है वो जनरली हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादा पैदा होती है इस एरिया के अंदर। मेलन कॉर्न एंड सोरगम भी इस एरिया में उगा सकते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, अ नियर न्यूट्रल, क्योंकि इसका जो पीएच है ना वो 6.0 से लेकर 7.0 के बीच में है, स्लाइटली एसिडिक है, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी न्यूट्रल होती है ये सॉइल। अब पिटी एंड मार्शी सॉइल देख सकते हैं आप, अगर कभी नदी के किनारे जाएंगे तो इस तरह की कीचड़ टाइप की आपको दिखेगी, तो ये पिटी एंड मार्शी सॉइल्स होती है। ये एरिया जनरली हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाया जाता है, और ये वेजिटेशन जो यहाँ पर है वो बहुत कम मिलता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विच मेक द सॉइल एल्कलाइन। इसमें क्या होता है, इनके अंदर जो छोटे छोटे डेड एनिमल्स होते हैं वो इस सॉइल्स को जो है वो एल्कलाइन बना देते हैं। और हैवी सॉइल्स विच ब्लैक कलर इज फॉर्म एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल आपको अगर पीटी और मार्शी सॉइल ब्लैक कलर में दिख रही है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सॉइल है ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। और देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात ये हैवी एरिया में मिलती है जस्ट अपोजिट टू द लैटेराइट सॉइल्स, और ये हाईली एसिडिक होती है नेचर में। और इसका मैंने आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोट्टयम एलिपे इन केरला एरिया, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, सुंदरबन जो डेल्टाज है वेस्ट बंगाल में वहां पर भी पाई जाती है। इसमें आप जिस तरह की क्रॉप्स को उगा सकते हैं वो है लेग्यूम रूट क्रॉप्स, कैबेज, स्पिनिच आर इजिली ग्रोइंग इन द सॉइल दैट वेल ड्रेन।
सबसे बड़ी चीज क्या है ना दोस्तों, इट इज ऑल्सो अपोडिट टू दिस सॉइल, डेजर्ट सॉइल में आपकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है एक लेवल के नीचे होती है, बट इसमें क्या है जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो नहीं होती है और इसमें जो पानी है वो नीचे गिर जाता है। तो इस तरह की क्रॉप जिसमें पानी को नहीं रखना है, जस्ट लाइक कैबेज, लेग्यूम, रूट क्रॉप, स्पिनिच, वो इस तरह की पिटी एंड पार्शी सॉइल्स में उगाई जा सकती है। इसकी वैल्यू क्या है, 6.3 से लेके 8 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है और इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पी एंड आयरन ऑक्साइड। नाउ द लास्ट सेकेंड लास्ट सॉइल फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, जहां पर हाई रेनफॉल एरिया होता है, जैसे मैंने आपको फिगर के अंदर बताया। देखिए इस फिगर में आपने देखा होगा कि ये एरिया और जो नॉर्थन ईस्टर्न का एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास का एरिया है, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये सॉइल ज्यादा मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल। इसमें क्या है, ह्यूमस कंटेंट इज लेस एंड दस द सॉइल इज एसिडिक। इसके बाद इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो न्यूमरस ट्रीज कैन बी ग्रो लाइक टीक, मैंगो टी, कॉफी एप्पल, देवदर, सैंडलवुड एंड जैक फ्रूट, इस तरह की फॉरेस्ट सॉइल्स में उगाया जा सकता है। पीएच वैल्यू इसकी फॉरेस्ट सॉइल की जनरली स्लाइटली एसिडिक होती है, वेदर ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉपिकल एरियाज में है या टेम्परेट एरियाज में है। द पीएच ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट सॉइल रेंज बिटवीन 3 and 5, वाइल फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सॉइल रेंज इज बिटवीन 4 and 6। ओके, नाउ अब देखते हैं माउंटेन सॉइल। देखिए माउंटेन सॉइल आप समझ होंगे कि माउंटेन वर्ड यानी कि हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ एरिया अरुणाचल प्रदेश का, उस तरह के एरिया में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप देखेंगे, इट इज अ वेरी इमेच्योर सॉइल विद लो ह्यूमस एंड एसिडिक, जनरली फाउंड इन हिल स्लोप्स, एंड हाउ दे फॉर्म, दीज आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट एंड दीज आर रिच इन ह्यूमस एंड पुअर इन पोटाश एंड लाइम। एरिया मैंने आपको पहले बता दिया, असम, कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्रॉप्स आर टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पीएच वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड हैव द डिफरेंट पीएच। नाउ द मोस्ट सॉइल्स हैव द पीएच वैल्यू बिटवीन 3.5 to 10, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एंड इन हायर रेनफॉल एरिया द नेचुरल पीएच ऑफ सॉइल typically range from 5 to 7, while in dry areas it is found between 6.2 to 9. Generally, these types of soil found in Assam, Kashmir, Sikkim and Arunachal Pradesh, और जो slopy region होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो friends, मैंने आपको ये बता दिया genesis, color और origin के हिसाब से इन soils को, और ये भी बता दिया कि alluvial soil सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबकी properties भी discuss कर ली। तो अब इसके बाद अगले lecture में हम देखते हैं कि सॉइल से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।